यहाँ पे आके एक मन बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा पहली बार देखने को मिला है जो इस मंदिर में इतनी सारी सब्जियां हैं और ऐसी मान्यता है काफी टाइम से कि ये मंदिर मतलब जैसे मांगते हैं मनोकामना तो यहाँ पे पूरी होती है। ये एक अनोखा मंदिर है, यहाँ जो है सब जगह आपने देखा होगा कहीं फल कहीं मिष्ठान से कहीं फलों से, लेकिन यहाँ पे सब्जियों का भोग लगाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं जो जो जिनकी इच्छाएं होती है वो पूरी होती हैं। तो काफी पुराना प्राचीन मंदिर है, यहाँ मैं भी आता हूँ। ये मखवाइनी मंदिर है, ये रलतारा पुल के पास पड़ता है, उसके अपोजिट यहाँ पर जब भी हम लोग आते हैं दर्शन करने में बहुत अच्छा लगता है। और नवरात्रों के टाइम पे इस मंदिर की खासियत ये है कि इसको फलों से फलों और सब्जियों से इसको सजाया जाता है और फिर वही उसको अगले दिन जब यहाँ की पूजा हो जाती है तो उसको प्रसाद को दिया जाता है। जी यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। ये ऐसा ये दक्षिण भारत का मंदिर है और ये मकरवाहिनी मंदिर है। ये जगत गुरु शंकराचार्य जो है ये पहले फोटो है शंकराचार्य, इन्होंने इसकी स्थापना की है। ये सब्जियों में दक्षिण भारत में इसके रीति रिवाज के अनुसार इसको ये करते हैं। जैसे कि अब मौसम बदल रहा है, नया सर्दी आ रही है, तो सर्दी में सभी प्रकार की साग सब्जियां होती हैं, जितनी भी सब्जियां हैं फल फ्रूट जो भी हैं सबको लेकर के सजाया जाता है कि जिससे कि हमारा देश की समृद्धि इसी प्रकार से हरा भरा रहे, किसी प्रकार के हमारे देश में कोई कमी न रहे और सुख शांति के साथ सभी लोग अपना जीवन यापन करें, किसी में कोई विरोध न हो, किसी प्रकार का रागव द्वेष न हो और शांति के साथ अपने जीवन को यापन करें। इसीलिए दक्षिण भारत में जगदगुरु शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी मंदिर की और अब ये उत्तर भारत में भी इसका प्रचलन हो गया है। पहले दक्षिण भारत में ही इसका प्रचलन था लेकिन अब उत्तर भारत में भी इसका प्रचलन हो गया है। सभी लोग जैसे देखते देखते लोगों ने इसका काफी बढ़ाव कर लिया है, अब काफी इसका हो रहा है और आगे भविष्य में आने में और भी अच्छा होता रहेगा। ये सब्जियां सब प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को दी जाती हैं। ये जब राधे भोग लग गया, भगवान का प्रसाद लग गया है भोग,
अब इनका पैकिंग बना करके और जो भक्त लोग हैं सबको दिया जाएगा, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी भक्त आए सबको दिया जाएगा। ये अभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जो घर में दुख है, दरिद्र है, परेशानी है, ये सब दूर होते। माँ से प्रार्थना कीजिए, हे माँ अपने चरणों में हमें निवास दो और हमारे घर में सुख शांति हो, किसी प्रकार का कोई क्लेश हमारे घर में रहे, कोई दुख दरिद्रता हमारे घर में न रहे, सब दूर करे, इसलिए भगवान का ये पूजा अर्चना करते हैं माँ गंगा की।